जिसको सबका बेसब्री से इंतजार था, बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में 243 सीटों पर तीन चरणों में चुनाव होना है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। इसकी घोषणा चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मीडिया के जरिए कहा। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी, लेकिन छठ पर्व के बाद ही मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो सबको इस बार इंतजार रहेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होना है या क्या कुछ होगा। सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है। सभी पार्टी चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। अब चुनाव का समय भी फिक्स हो चुका है, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, तीन चरण में चुनाव होने हैं। सभी पार्टी को टिकट भी मिल चुकी है, जिसको जहां से चुनाव लड़ना है, और पार्टी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है जोर शोर से। इस बार दो महापर्व एक साथ बिहार की जनता को देखने को मिलेगा, छठ पर्व और चुनाव महापर्व, दोनों पर्व एक साथ देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार चुनाव का क्या टॉपिक है, क्या मुद्दा है, किस पर इस बार नेता चुनाव मांगने के लिए? पिछली बार तो जातिवाद चुनाव था, लेकिन इस बार रोजगार के नाम पे जनता अडिग है और नेता भी रोजगार के नाम पर वोट मांगने को तैयार है। तो क्या बिहार में बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार ही कुर्सी पर कायम रहेंगे? देखते हैं इस बार क्या होता है। आप अपनी राय भी हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे कि आप किसको वोट करना चाहते हैं। ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं।